हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे ली जाए यह सीखेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपने स्क्रू गेज को देखना होगा। आपके पास जो स्क्रू गेज है, अगर आप उसमें देखें तो यहाँ पे जो इसकी ये नेक दे रखी है गर्दन, इस गर्दन पे एक स्केल उकेरी हुई है जिसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से एक आगे यहाँ तक स्केल अंदर की तरफ दी हुई है। इसका ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वृत्तीय भाग जो है, ये इस पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक स्केल उकेरी हुई है। तो यहाँ पे दो स्केल हो गई। तो अगर आप लोगों को स्क्रू गेज से रीडिंग लेना है तो उसके लिए दो स्केल का पार्ट आप लोगों को नोट करना होता है। इस स्केल को कहते हैं मुख्य स्केल, जो इसकी गर्दन पे नोट की हुई है, और ये जो दूसरी स्केल यहाँ पे इस वृत्तीय भाग पे दी हुई है, इसको कहते हैं हम लोग वृत्तीय स्केल। इन दोनों की रीडिंग को जोड़कर हम लोग स्क्रू गेज की रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस रीडिंग लेने के पूर्व आप लोगों को इस स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात होना जरूरी है। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र होता है चूड़ी अंतराल अपॉन वृत्ति पैमाने पर खानों की संख्या। अगर आप लोग अपने स्क्रू गेज को घुमाएं और इसकी जो ये वृत्ति स्केल है इसको अगर ऐसे घुमाकर आप लोग देखेंगे, तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं अभी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे जो ये स्केल चल रही है, मैं इसे बोल रहा हूँ, 70 के बाद 80, 80 के बाद ये 90 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और 90 के बाद फिर आ चुका है यहाँ पे 0। मतलब यहाँ पे कुल इस वृत्ति पैमाने पर खानों की संख्या जो है वो दे रखी है 100। वृत्ति पैमाने पर खानों की संख्या 100। चूड़ी अंतराल, यहाँ पे चूड़ी अंतराल को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है कि यदि आप लोग इस वृत्ति पैमाने को एक पूरा चक्र घुमाएं, मतलब कि यहाँ से इस तरीके से एक पूरा चक्र घुमा के और उसे वापस अपनी पूर्व स्थिति पर लेके आए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये शून्य जो है, ये शून्य इसके ठीक सम्मुख है, सामने है इस लाइन के, मतलब कि इसने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया है। तो ये एक पूरे चक्र में जितनी दूरी तय करता है उसको इस स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल कहते हैं। और इस स्क्रू गेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये एक चक्र पूरा इस तरीके से वृत्तीय स्केल को घुमाए तो ये इस मुख्य स्केल पर 0.1 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अतः इस स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर, वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या जो है 100 है। अतः हम लोग अगर 0.1 को 100 से भाग देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 0.001 सेंटीमीटर, जो कि इस स्क्रू गेज का अल्पतमांक है। स्क्रू गेज से रीडिंग लेने के लिए सर्वप्रथम आपने अल्पतमांक निकाल लिया है। अब आप लोगों को एक प्रेक्षण सारणी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें होता है मुख्य पैमाने का मान, जिसे हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं। यहाँ पे जो एक इस स्क्रू गेज में ये जो वृत्ति स्केल दे रखी है इसे वृत्ति स्केल कहते हैं, और इसका वृत्ति पैमाने का पाठ निकालने के लिए आप लोगों को वृत्ति पैमाने पर खानों की संख्या, मतलब ये जो 10, 20, 30 और ये सारे दे रखे हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अल्पतमांक से, अर्थात 0.001 सेंटीमीटर से, तो आपको वृत्ति पैमाने का पाठ प्राप्त हो जाएगा। अतः आप लोगों को कुल पाठ ज्ञात करने के लिए मुख्य पाठ और वृत्ति पैमाने का जो पाठ है, इन दोनों का आप लोगों को योग करना पड़ेगा, और वो इस स्क्रू गेज से प्राप्त रीडिंग होगी, जिसे हम लोग कह सकते हैं कुल पाठ। इस स्क्रू गेज से अब हम लोग ये जो हमारे पास एक स्केच पेन है इसका व्यास ज्ञात करेंगे। इससे हम लोग व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम लोग किसी शीट की मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं सूटेबली, और अगर हम लोग इसे फिक्स करें यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया है, हमें इससे बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, मैंने इसे लगा दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसकी रीडिंग नोट करें। तो सर्वप्रथम आप लोगों को यहाँ पे ये जो आपका मुख्य पैमाना है, इस मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या अर्थात मुख्य पैमाने का पाठ पढ़ना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 5 है, मतलब कि ये 0.5 सेंटीमीटर है। 5 के पश्चात यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक लाइन और दूसरी लाइन और भी है, मतलब कुल यहाँ पे 7 रेखाएं हैं अभी इस रीडिंग के अनुसार।
तो हमारे मुख्य पैमाने का पार्ट जो हो जाता है वो होता है 0.7। ये पहली रीडिंग है। अब हमें मुख्य पैमाने का पार्ट ज्ञात करने के पश्चात वृत्ति पैमाने का पार्ट ज्ञात करना है। वृत्ति पैमाने का पार्ट ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो मुख्य स्केल की लाइन दे रखी है, इस लाइन के ठीक सामने वृत्ति पैमाने पर एक लाइन है, उसे आप लोगों को पढ़ना होगा और उसे आपको पढ़ना होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये 90 लिखा हुआ है, और 90 के ठीक दो लाइन पहले, क्योंकि ये बहुत बारीक है इसलिए आप इसको देख नहीं पाएंगे, आप अपने पास जो स्क्रू गेज है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जो रेखा है जो इस मुख्य रेखा के ठीक सामने है वो है 88 नंबर की। तो 88 जो है वो इस वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या हो चुकी है, और इस 88 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अल्पतमांक से, वो है 0.001। अगर हम लोग इन दोनों राशियों को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.088 सेंटीमीटर। कुल पार्ट ज्ञात करने हैं तो आपको इस राशि का 0.7 मतलब मुख्य पैमाने का पार्ट और वृत्ति पैमाने का पार्ट अर्थात 0.088 का योग करना होगा, और आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 0.788 सेंटीमीटर। ये इस स्केच पेन का व्यास हम लोग लेके आए हैं। अभी हम लोगों ने एक स्थान पे इसकी रीडिंग ज्ञात करी है, अब अगर हम लोग चाहें तो इसकी 3 से 5 तक और रीडिंग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बार इस दिशा में इसे रखकर रीडिंग ज्ञात की जा सकती है, फिर अगर हम लोग इसे स्क्रू गेज को इस दिशा में रखें और इसकी पुनः रीडिंग लें, और फिर चाहें तो हम लोग इसे इस दिशा में रखकर रीडिंग लें। जितने ज़्यादा बार आप लोग इसके व्यास की रीडिंग लेंगे, इस पेन के व्यास ज्ञात करने में शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। मान लीजिए कि जब हम लोग इसको इस तरीके से रखते हैं तो हमारी रीडिंग आती है 0.7। इसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वृत्ति पैमाने के पार्ट में अंतर हो सकता है। हो सकता है कि पहले जो 88 वृत्ति पैमाने पर खानों की संख्या थी, अब वो 86 हो जाए, 7 हो जाए, या 5 हो जाए, या जरूरी नहीं है कि उसमें परिवर्तन हो। हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे एक का परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग 0.001 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बनेगा वृत्ति पैमाने का पार्ट 0.0087। और अगर हम लोग इन दोनों का सम करें अर्थात मुख्य स्केल और वृत्ति पैमाने का पार्ट, तो हमारा अगला उत्तर बनेगा 0.0787 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसे निकाल कर इस स्थिति में लगा दें और फिर हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करें तो वो होगा वृत्ति पैमाने का पार्ट, तो फिर भी पूर्वानुसार ही आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट आया है वो हो सकता है 87 आ जाए, फिर से 88 आ जाए, या हो सकता है कि 89 आ जाए। वो जो भी हो वो आप लोगों को अपने स्क्रू गेज में देखना है, जो मतलब इस वृत्ति पैमाने की एक लाइन जो इसकी सीध में है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.001 से, और ये आंसर आया आपका 0.089। यहाँ पे अगर आप लोग इस मुख्य वृत्ति पैमाने का और मुख्य का योग निकालेंगे तो वो होगा 0.789 सेंटीमीटर। मतलब अब आपने 3 बार इसका व्यास ज्ञात किया है। हम लोग यहाँ पे माध्य व्यास ज्ञात कर रहे हैं, माध्य व्यास है, तो आपको 0.788 प्लस अगली रीडिंग 0.787 प्लस 0.789, इन सभी का योग करके जितने आप लोगों ने आंकड़े लिए हैं उतने संख्या से उसको भाग दे दें, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 है। अगर आपके पास 4 आंकड़े आपने लिए हैं, 4 बार रीडिंग ली है तो 4 से भाग दे दें, 5 बार ली है तो 5 से भाग दे दें। इन सभी का योग करके आप लोग उसको 3 से भाग दे दें तो वो हो जाएगा आपका माध्य व्यास। इन तीनों का अगर हम लोग योग करें तो हमारा आंसर आएगा 2.364/3, और जब हम लोग 3 से अगर इसको भाग दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.788, जो कि इस स्केच पेन का माध्य व्यास है। धन्यवाद।